जब से बिहार की राजनीति में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबरें तैर रही हैं, तब से राज्य के सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि जेडीयू नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी और कई अन्य लोगों ने आगे बढ़कर इस तरह के खबरों का खंडन किया है, पर राजनीति में हर उस खबर का खंडन होता है जो जरूर होने वाला होता है। जेडीयू में सब कुछ ठीक होता तो 29 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के ठीक पहले 25 दिसंबर को पटना में पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कर्पूरी ठाकुर के नाम पर होने वाला पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम रद्द नहीं किया जाता, वह भी सर्दी का बहाना बनाकर, जो इस बार बिहार में बिल्कुल भी नहीं है। इस बीच आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यह बयान देकर माहौल को और गर्म बना दिया कि वो नीतीश कुमार की पैरवी एनडीए से करने के लिए तैयार हैं, पर उन्होंने शर्त रख दी कि इसके लिए नीतीश कुमार पहले सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करें कि आरजेडी से उनका संबंध टूट गया है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक ललन सिंह के इस्तीफे की बात तैरने लगी। यह सही है कि ललन सिंह की लालू यादव से नजदीकियों के चलते नीतीश नाराज हैं, पर यह आज की बात नहीं है। राजनीति में सब कुछ अचानक नहीं होता है, विशेषकर इस लेवल पर तो सब कुछ स्क्रिप्टेड ही होता है। ये अलग बात है कि ड्रामे की स्क्रिप्ट में क्लाइमेक्स और एंड हमेशा वैसा नहीं होता है जैसा लिखते हुए सोचा गया हो। बिहार में जेडीयू और आरजेडी की इस कहानी का क्लाइमेक्स चल रहा है, कहानी किस ओर मोड़ लेगी यही देखना है। तमाम राजनीतिक विश्लेषकों से बातचीत के आधार पर जो बातें निकल कर आई हैं उसमें कुछ बातें अहम हो जाती हैं। 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ जो लालू नीतीश के बीच कुछ दिनों से घट रही अविश्वसनीयता पर मुहर लगा दिया। दरअसल मीटिंग के दौरान जिस तरह ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को पीएम कैंडिडेट के लिए प्रस्तावित किया, वो नीतीश कुमार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नीतीश कुमार को यह बात और बुरी लगी कि लालू यादव ने इस बात का विरोध भी नहीं किया। तमाम सर्वे बता रहे हैं कि बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को आरजेडी से कम सीटें मिलेंगी। यह भी एक तथ्य है कि नीतीश कुमार करीब 3 दशक से सत्ता में हैं। उन्हें अब बिना कुर्सी के एक पल भी अच्छा नहीं लगता होगा, यह स्वाभाविक भी है। नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर वो एनडीए के साथ जाते हैं तो मुख्यमंत्री नहीं भी बन पाए तो एनडीए का संयोजक केंद्र में मंत्री से लेकर राज्यपाल तक बनने के चांसेस हैं। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन से तो अब कोई उम्मीद नहीं रह गई है। आरजेडी के साथ रहने पर भी उन्हें 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी को सत्ता देनी ही पड़ेगी। एनडीए के साथ रहने पर कम से कम कुछ तो मिलने की उम्मीद रहेगी। जिस तरह से बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को अचानक दिल्ली बुलाया गया है, उससे तो यही लगता है कि नीतीश कुमार की वापसी को लेकर उनसे राय ली जा रही है, क्योंकि बिहार के अन्य नेताओं जैसे नित्यानंद राय और सुशील मोदी पर यह आरोप लगता रहा है कि ये लोग बिहार में बीजेपी के लिए हमेशा से नीतीश कुमार को जरूरी समझते रहे हैं। इसके विपरीत सम्राट चौधरी को लगता है कि बिहार में बीजेपी एनडीए के अन्य साथियों के साथ बिना नीतीश कुमार के भी जनता का विश्वास हासिल करने में सक्षम है।